यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं स्केरी टीचर वाला गेम। ठीक है, इसका पहला जो चैप्टर था वो आज आई गेस हम लोग ख़त्म कर लेंगे पूरा चैप्टर, और जो भी प्रैंक्स रह गए थे वो ख़त्म कर लेंगे। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हम लोगों ने प्रैंक्स वगैरह कर दिए थे। लास्ट एपिसोड में हमारा लास्ट प्रैंक था, आई गेस हम लोगों ने उनके बाल ख़राब किए थे। सो आज जो है हम लोग इसके सारे कंटिन्यू करेंगे वहीं से ही, और इसको लास्ट तक पहुँचा देंगे। पहले चैप्टर इसका ख़त्म कर लेंगे, बाकी दूसरे तीसरे चौथे इसके बहुत सारे चैप्टर्स ही आगे, तो उसके बाद उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसको दबाओ, उसके ऊपर कुछ भी करो, बस उसको दबा दो ताकि वो रेड से वाइट हो जाए, ताकि मज़ा आ जाए। सही है, सो भाई बैक टू द वीडियो। यहाँ पे क्या, हमारा मिस्टी जो है वो हमारी संदबाद लेने के लिए बैठी हुई है। संदबाद के हमारे को पूरा मैच करना है उनकी, ये सारी की सारी जो भी एक्टिविटी करेंगी, और हमारे को क्या करना है, इनकी चेयर वगैरह काटनी है। ठीक है, और हमें चाहे एक एक्स चाहिए होगी जिससे हम लोग उसकी चेयर काटेंगे, मिस्टी की चेयर काटेंगे। ठीक है, तो भाई फटाफट से चलते हैं हम लोग चेयर लेने के लिए, सॉरी चेयर नहीं, एक्स लेने के लिए। चेयर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो मिस्टी के पास वहीं पर रखी हुई है। सही, सो फिलहाल यहाँ पे लेके चलते हैं। फिलहाल वहीं पर ही अपनी मस्त एक्सरसाइज वगैरह करिए। शर्ट के अंदर मुझे मिल जाएगी एक्स, या ये मुझे पता था यहाँ पे मिल जाएगी। सही है, ऑलराइट, तो मुझे मिल चुकी है यहाँ पे लेकर कट ऑफ द चेयर लेग। ठीक है, मतलब चेयर का जो पाँव है वो हमें काटना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं मस्त यहाँ पे इनकी झाड़ियाँ वगैरह सारी की सारी ख़राब करते हुए जा रहा हूँ, और बाकी चलते हैं, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। ये डायरेक्ट किचन में जा रही है शायद मिस्टी, तो हमारे को इतनी कोई परेशानी होने नहीं वाली। और वैसे ही बहुत ज़्यादा ही ईजी गेम है यार ये, मतलब कि इसके कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह नहीं है इतनी। अगर कोई इसके कोई मोड्स होते लाइक ईजी, नॉर्मल डिफ़िकल्टीज़, एक्सट्रीम, हार्ड मोड, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत मज़ा भी आता, ताकि थोड़ी बहुत मतलब एडवेंचर हो जाता ना, तो मज़ा हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैंने काट दिया यहाँ पे, और हम लोग भाग जाएंगे। मैं भागूंगा नहीं, ये जो सामने जो खड़ा हुआ है ना सुहाना जो बना हुआ है, इसके ऊपर अपन चढ़ जाएंगे। अंदर नहीं जा सकता मैं अभी, अंदर नहीं जाऊँगा, ऊपर ही चढ़ेंगे। सही, सो फिलहाल अपन ऊपर ही इसके ऊपर चलेंगे सोना के ऊपर, और देखेंगे मिस्टी क्या होता है मिस्टी के साथ। फिलहाल ऊपर की साइड पर एक वो पड़ा हुआ था केन, हाँ केन अपन यहाँ पे पी लेते हैं, और मिस्टी अभी आती ही होंगी। फिलहाल जब तक मिस्टी आ रही है, आप लोग इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने हमारी ग्रैनी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उसका मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ऊपर मैं इसका गोलू में लिंक भी दे दूंगा, सारी प्लेलिस्ट वहीं पे जाकर पूरी चेक कर सकते हो। चैप्टर वन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, अभी रिसेंटली हम लोगों ने चैप्टर टू स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पर आकर वो भी चीज़ चेक कर सकते हो। फिलहाल हमारा पहला प्रैंक खत्म हो चुका, दूसरे प्रैंक के अंदर था एड सम कलर टू मिस्टीज डार्क वर्ल्ड बाय ब्लोइंग हर फायर प्लेस एंड वॉचर सफर। ठीक है, मीन्स इसके अंदर में ये करना है, इनकी ये जो यहाँ पे लेने बैठी हुई है, सर्दी वगैरह लग रही है इनको, तो यहाँ पे बिल्कुल हीट लेने के लिए बैठी हुई है। हमें क्या करना होगा कि हमें इसके पहले आग को ख़त्म करना होगा, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ हमें ये चाहिए होगी कि हमें इसके अंदर दूसरी कोई आग लगानी होगी जो भड़कने वाली होती है, मीन्स कि बिल्कुल ही ब्लो अप हो जाए वाली आग ना। तो फिलहाल पहले यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पड़ी वो मैं पी लेता हूँ, क्योंकि भागना बहुत तेज़ होता है यहाँ पे, अगर मेरे को चोट लगती गई तो फिर मेरी एनर्जी ख़त्म होती रहेगी ना। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था, ऐसी क्या चीज़ मुझे चाहिए, और मैं ढूंढते ढूंढते फिलहाल दूसरे दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, रूम्स में चेंज कर जा रहा हूँ। वैसे रूम्स जो बड़े बढ़िया बढ़िया बनाए हुए मिस्टी ने, जो बात है पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ती है, कोई सरकारी स्कूल होगा इनका, जो इनको बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह मिलती होगी। सो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं लेट्स गो। और सामने क्या है, बाथरूम है, बाथरूम में तो नहीं हो सकता इसके, मिस्टी रूम्स के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, वेट 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 वेट, नहीं है यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आगे कौन सा रूम है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक नीचे की साइड पे जाना है, किचन वाला रूम आ रहा है। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पर मैंने एनर्जी ड्रिंक दे चुका है, यहाँ पे किचन आएगा ना, हाँ सही है, किचन के अंदर। ओके, सो मुझे मिल चुका है यहाँ पे, मेरे को एक जग मिल चुका है, जार मिल चुका है, और इसके अंदर होगी एक, पहले इसको मुझे पानी डालना होगा। सही है, इसके अंदर, और फिलहाल एक मैंने वो देखा था फायरवर्क्स देखा था जो वहाँ पे होता है, आई गेस शेड के अंदर होता है। पहले मैं इसको इससे बुझा देता हूँ ताकि इजीली फिर मैं दूसरी चीज़ डाल लूँगा। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, मिस्टी ने मुझे देख लिया। ठीक है, अच्छा जब भी ये देखे ना गूज़बम्स हल्के हल्के से आते हैं, गूज़बम्स ही मतलब एक तरीके से झुरझुरी से छुड़ जाती है जब भी ये भागती है ना पीछे, क्योंकि बहुत तेज़ भागती है हमारे पीछे ना, और ये बिल्कुल ही हमारे पीछे घूम दिए। ठीक है,
अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरे को नहीं देख पा रही, फिलहाल मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि ये ऊपर सीढ़ियों से आएगी और अपन इजीली चले जाएंगे नीचे, क्योंकि ये ऊपर पूरा आएगी ये चढ़ते हुए भाई। वो गलत गो तो ये नीचे ऊपर जा रही है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं शेड की साइड पे और शेड के अंदर से अपन उठाते हैं, जब तक वो ऊपर होगी हम मैं सारा काम कर भी दूंगा इसका, ठीक है। ये मुझे मिल चुकी है और मैं फटाफट से जाता हूँ गैसोलीन गैस को लाके मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। देखो ऊपर ही आ चुकी है, वो ऊपर हम नीचे से चले जाएंगे इजीली, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे फटाफट से चलते हैं और यहाँ से बचते हुए निकलो, वरना इसने जो ट्रैप बिछाया हुआ ना उसके अंदर मैं फंस जाऊँ, फंसूंगा नहीं, मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ और फटाफट से अब भागते हैं यहाँ से। अब जैसे ही मिस चीज़ को आग लगाएगी, मिस के मैचेस माचिस लगाएगी उसी के ऊपर ही है, पूरी की पूरी ब्लास्ट हो जाएगी, बूम। ये देखो जैसे गलत बात है, इतना कोई प्रैंक नहीं करना चाहिए मिस को अपनी। फिलहाल आगे चलते हैं, लेट्स गो, एंजॉय वॉचिंग मिस्टी गेट कॉट इन द स्टिकी मैस बाय एडिंग जेलो इट एड टू हर बाथरूम एंड रूइन हर्स, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर करना ये है कि हम लोग जो है मिस्टी जो जा रही है बाथरूम में, एक तो पता नहीं क्यों इतना ये नहाती है, पता नहीं ऐसे क्या क्या काम करती हैं। खैर यहाँ पे क्या करना है, हमें एक जेली लेनी है, जेली जो है वो पानी में मिक्स करनी है ताकि मिस्टी जो है जादू जेली से बाथरूम के अंदर ही स्टक हो जाए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसने वो लगाया हुआ है, लॉक लगाया हुआ, तो कोई मसला थोड़ा ना है लॉक लगाने में, यहाँ से चले आऊँगा। बेवकूफ़, इसको भी लॉक करके बंद करो ना ताकि थोड़ा बहुत डिफरेंट तो हो। फिलहाल मेरे को जेली जो है वो किचन से ही मिल सकती है, कहीं पे तो होने नहीं वाली है। यहाँ पे सामने वाले इसके ऊपर, और सही है कैबिनेट, सामने वाले कैबिनेट में मुझे मिल चुकी है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर बाथरूम की साइड पर। फिलहाल मिस्टी नीचे की साइड पर आ रही है, मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पीछे पड़ गई ना, तो फिर मेरे को जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर मेरे पीछे भागती रहती है, फिर मुझे मजबूरन घर के बाहर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो फिलहाल ये जा रही है घर के बाहर ही जा रही है, तो फिर मैं इजीली जा सकता हूँ ऊपर की साइड पर, मुझे देख भी नहीं सकती है, ठीक है। वो देख लिया अभी पीछे मेरे भागती रहेगी, मैं उसको घुमाता हूँ, मेरे पीछे भागती रहेगी। अब मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा, या फिर मैं ऊपर किसी रूम वगैरह में छुप जाऊँगा। फिलहाल यहाँ मैं किसी रूम में चले जाता हूँ ताकि मेरे को ये देख ना पाए, ठीक है। जिम के साइड पर चलते हैं एंड ठीक है, यहीं पर ही मैं चले गया, नीचे चल गया, ठीक है। तो मिस्टी अभी आ जा रही है नीचे, स्टेयर से नीचे ही आ रही है वो वापस। रिंग बेल कर दो, ठीक है, ताकि ये रिंग बेल से यहाँ पर आ जाए, इसको मैं दबाता रहूँगा, ठीक है। और फिलहाल मैं बड़ा से जाता हूँ लैडर से ही ऊपर चले जाएंगे, ताकि ऊपर से डायरेक्ट अपन नीचे आ जाएंगे, क्योंकि मिस्टी जो है वो अब नीचे की साइड पर आ रही है, मुझे ऊपर की साइड पर जाना है वाशरूम की साइड पर, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, मिस्टी को जाने तो पहले वेट करो, अब जाएंगे ना पीछे से इजीली, ठीक है, अब नहीं देख पाएंगी मिस्टी हमें। ओके, सो जाते हैं वहाँ पे, जेलो को मिक्स करते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं आ पाए क्योंकि वो पूरा रिंग बेल देख के आएगी ऊपर नीचे से, ठीक है। इसको जाके मिक्स करा, ठीक है, ये ग्रीन होगा, कवर द जेलो विथ समथिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा बबल फुलाने वाला, हाँ ये मैंने पहले भी देखा था, पहले वाले प्रैंक के अंदर भी मैंने देखा था ये। इसको मिक्स किया और फटाफट से भाग जाते हैं, वरना मिस्टी आके अगर हमें पकड़ लिया ना मिस्टी ने, तो अपन के ऊपर लग जाएंगे सही वाले अपने, ठीक है। तो फिलहाल फटाफट से जाते हैं यहाँ से, जब तक मैं जा रहा हूँ यहाँ तुम लोग चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दो। बाकी दूसरी चीज़ ये कि मैं पबजी वगैरह के भी वीडियोस खेलता रहता हूँ, मतलब पबजी की वीडियोस नहीं, पबजी के गेम वगैरह खेलता रहता हूँ, और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी खेलते रहता हूँ, उसकी भी मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ, उसके भी सारे लिंक वगैरह मैं ऊपर दे दूँगा, और एंड स्क्रीन के ऊपर भी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और मेरे चैनल पर भी आकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मिस्टी जो है वो फंस चुकी है, और पूरी फंस चुकी है इसके अंदर, बोल कह रही आई एम स्टक्ड, ओके। सो भाई दूसरे प्रैंक के चैनल का, द हॉरिड स्मेल फ्रॉम द स्टिंग बॉम्ब शुड मैच मिस्टीज हॉरिबल पर्सनैलिटी, ठीक है। सो हमें अब करना ये होगा कि ये जो सुहाना में जा रही हैं इसके अंदर ये जाके अपनी बिल्कुल स्टीम वगैरह लेंगी, हमें बस करना ये होगा कि हमें एक चीज़ चाहिए, स्टिकी बॉम्ब होगा, वो जाके सुहाना के अंदर फेंकना है और मिस्टी को वहाँ पर बेहोश कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल वो जाके मुझे मिलेगा बेसमेंट में, इसका इतना तो मुझे पता है कि वो मुझे बेसमेंट की साइड से मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल मिस्टी उस साइड पर है, तो चेक करते हैं यहाँ से, ये कौन सा रूम था, स्टडी रूम था ये, ठीक है, और ये वाला रूम है टीवी रूम, ठीक है। तो अपन यहाँ से चलते हैं बेसमेंट की साइड पे, क्योंकि मुझे बेसमेंट में ही मिलेगी वो चीज़, इतना तो मुझे पता है। फिलहाल मैं यहाँ पर ढूँढ रहा था कि किधर मिल सकती है मुझे, बट बेसमेंट की साइड पर चलते हैं अपन, यहाँ पता किचन के ऊपर मिल जाती मुझे, और देखो वो सामने पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई सामने, ठीक है, मुझे पता था यहीं पर ही मिलेगी। फिलहाल फटाफट से चलते हैं उसको लेके ऊपर की साइड पे, और यहाँ पे कौन सा रास्ता है ये, एक सेकंड,
नहीं बंद है ये डोर, नहीं खुल रही है, डोर खुल ही नहीं रही है। ठीक है तो फिलहाल फटाफट से चलते हैं ऊपर की साइड पे और फटाफट से जाके उसको डालते हैं सोने की साइड पे। और राइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मिस्टी भी अंदर जा चुकी है इसके अंदर, तो वहाँ पे वो मस्त आराम से अपनी स्टीम वगैरह ले रही है। अपन चलते हैं फटाफट से, पहले यहाँ पे इसकी डोर लॉक कर देते हैं ताकि ये बाहर ना भाग सके। ठीक है सो फिलहाल इसके लैडर से ऊपर चलते हैं अपन एंड इसको अंदर फेंकते हैं एंड वॉचिंग हर सफ़र। ठीक है तो यहाँ पे स्टिकी बम फट चुका और ये बिल्कुल बेहोश होने वाली है। यह वैसे बड़ी गलत मोटिव बनाया बट इस गेम का, मतलब टीचर को इतना परेशान करना यार बहुत ज़्यादा ही गलत है। चलो कोई मसला नहीं है, गेम ही है, गेम तो गेम की तरह ही लेंगे। चलो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं और ये वाला भी हमारा हो चुका है प्रैंक कम्प्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे मिस्टी हो चुकी है बेहोश पूरी तरीके से। चलो भाई नेक्स्ट प्रैंक की तरफ चलते हैं। ठीक है तीसरा है, मिस्टी हैज़ बीन इम्पेशनेंट वेटिंग फॉर हर पार्सल टू अराइव, लेट्स मेक हर वेट ऑफ लॉन्गर। ठीक है अच्छा, इसके अंदर ये कि मिस्टी ने एक पार्सल मंगवाया, अब उसको क्या करना है, हमें एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से हमें चेंज कर देना है। अब वो चीज़ गेम के अंदर अब हुआ ये था, मैंने इतनी दफ़ा में ढूंढ रहा था, इतनी जगह पे मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिली वो चीज़। मतलब कि मुझे एक चाहिए था ग्लव्स और एक वो नहीं था शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, शहद की मक्खी का छत्ता हमें मिलेगा छत पर से। ठीक है वो तो मैं इजीली उठा लूँगा बट मुझे ग्लव्स नहीं मिल रहे थे। मैंने ग्लव्स सारे के सारे रूम्स वगैरह में चेक कर लिए, फिलहाल मिस्टी मेरे पीछे पड़ चुकी है और ये सामने खड़ी हुई है बट सामने से निकला देखे ही नहीं इसने मुझे और वो गई भी अंदर की साइड पर। बाकी मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि ग्लव्स वगैरह मुझे मिले बट मिल ही नहीं रहे थे मुझे ग्लव्स। ठीक है सो अभी फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ फटाफट से कि कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाए कि कहीं ग्लव्स वगैरह, दूसरे दूसरे रूम्स में जाके चेक करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। और ये वाले नहीं नाम कैसे उनका, ठीक है यहाँ पर मुझे एक वो मिल गया कटर। ठीक है कटर का भी मुझे काम है, कटर से ना मुझे वो का ये चाहिए होगा, क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट पेपर को, गिफ्ट को कट करना है बीच में ताकि उसके अंदर हम सामान भी तो रख पाएंगे ना। ठीक है सो फिलहाल इसको मैंने काटा, ये इसको मैंने काट दिया। ठीक है ऊपर ऊपर से चलते हैं बाहर की साइड पे और लैडर्स को उठाते हैं खुलना। ठीक है और यहाँ से मैं बाय कर लूँगा ना वो चीज़ ना, मतलब ग्लव्स वगैरह मैं यहाँ से बाय कर लूँगा। ठीक है क्योंकि मेरे पास बी का वो छत्ता तो हैगा बट मैं ग्लव्स वहाँ से बाय कर लूँगा क्योंकि मेरे को मिल ही नहीं रहते ग्लव्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक ढूंढे ग्लव्स को नहीं मिले थे यहाँ पर। दोबारा से मैं शर्ट के ऊपर जा रहा था क्या पता मुझे यहाँ से मिल जाए बट एज़ यूजल मुझे यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है तो फिलहाल मैं वापस जा रहा था यहाँ से और मैंने सोचा कि यार यहाँ पर फिर मैं ग्लव्स वगैरह ढूंढ ही लेता हूँ, सॉरी ढूंढना नहीं, यहाँ से मैं ख़रीद ही लेता हूँ। और मैं यहाँ से शॉप से मैंने ग्लव्स वगैरह परचेज़ कर लिए थे, कॉइन्स वगैरह पड़े थे मेरे पास तो मैंने परचेज़ कर लिए। तो फिलहाल लैडर्स लेके मैं यहाँ पर आ चुका था और ऊपर जाके ये बी वगैरह का उठाते हैं ये छत्ता। रुको ना कहाँ जा रहे हो, रुको ये उठाओ बी। ठीक है ग्लव्स को परचेज़ करो, यूज़ करो। ठीक है एंड इसको उठाओ दो। ठीक है अगर मैं इसको खाली उठा रहा ना तो इनकी मुझे काटनी है ये जो छेद की मक्खी है ना ये मुझे काट देती है। और टेप भी मैंने परचेज़ कर लिया था, मुझे नहीं पता टेप वहाँ पे पड़ा होता है कि नहीं होता बट मैंने परचेज़ कर लिया था उसको। ठीक है सो फिलहाल मिस्टी भी हमारी तरफ ही आ रही है, इसको पहले यहाँ पे आने दो, उसके बाद फिर अपन चलेंगे पीछे की साइड से जो किचन वाली साइड है ना वहाँ से चलेंगे, वहाँ से अपन को रहेगा ईजी थोड़ा बहुत जाने का क्योंकि मिस्टी आ रही है इसी रूम से बाहर, तो अपन को पीछे से आना बेटर लगेगा, बेटर रहेगा मेरे लिए पीछे से आना। ठीक है सो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये आ गए स्टेयर्स, आ गए इसको लेके चलते हैं मिस्टी के गिफ्ट की साइड पे, गिफ्ट जो पड़ा हुआ सामने की साइड पे पड़ा हुआ होगा गिफ्ट। ठीक है तो फिलहाल गिफ्ट के साइड पे मुझे मिल चुका है, मैं इसके अंदर रख देता हूँ और रैप कर देता हूँ इसको वापस से ये टेप से, जो मैं टेप खरीदा था ना ये टेप ही मैंने परचेज ही कर लिया था, टेप परचेज़ किया था उसको मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ। फटाफट से अपन भाग जाते हैं यहाँ से और मज़े की बात ये कि अभी मैं भागूंगा तो मिस्टी मुझे पकड़ लेगी, यहाँ पे पकड़ेगी नहीं मतलब मेरे पीछे पड़ जाएगी वो। ये देखो यहीं पर ही घूम रही है वो, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ देखो मैं देख लिया इसने मुझे। सो अभी मैं यहाँ से भागता रहूँगा, यहाँ पे मैं बार बार यहाँ से मैं टापा इसके तरफ में और फिर टापा, तो मुझे ना डर लग रहा था कि मिस्टी मुझे पकड़ ना ले क्योंकि इतनी कई क्लोज आके मुझे पकड़े आए थे, मैं बार बार इसके ऊपर लेफ्ट राइट करे आ रहा था मैं, कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे, मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। तो फिर मैंने फाइनली मैं पीछे की साइड पे भाग गया क्योंकि मिस्टी से पीछे की साइड पे तो नहीं आती, इतनी दूर भागते हुए तो नहीं आती है। तो फिलहाल आ तो रही थी काफ़ी दूर तक ये भागते हुए, देखो बिल्कुल ही इसी मतलब कि स्ट्रीट के ऊपर चल रही थी ये और मैं किचन की साइड से निकल के अब बाहर की साइड पर चले आऊँगा। तो फिलहाल अब नहीं ढूंढ पाएगी ये मुझे। देखा
अब नहीं ढूंढ पाएंगे मुझे, मैं यहाँ से चले जाऊँगा बाहर की साइड पे, एंड फटाफट से चलते हैं यहाँ से बाहर की साइड पे, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रैंक है। ये लास्ट प्रैंक होगा हमारा मिस्टी के हाउस के अंदर। फिलहाल चैप्टर 1 हमारा क्लोज हो जाएगा एंड राइट हियर वी गो। ऑल राइट, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये मिस्टी के ऊपर सारी की सारी बीस वगैरह ने हमला कर दिया। चलो भाई लेट्स गो भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही कुछ दूसरे गेम्स वगैरह की वीडियोस में डालता रहूँगा और मज़ा आ जाएगा, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर देते, ठीक है। सो भाई मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।